हर साल 21 अक्टूबर को देश की सेवा करते हुए अपनी जान गंवाने वाले जवानों की शहादत को याद करने के लिए पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। इस दिन हॉट स्प्रिंग्स में चीनी सैनिकों के हमले के दौरान मारे गए बहादुरों के बलिदान और श्रद्धांजलि को याद करते हैं। इसी बाबत आज भागलपुर जिला स्थित पुलिस लाइन में और पुलिस जिला नवगछिया में इस कार्यक्रम को मनाया गया। वहीं भागलपुर के पुलिस लाइन स्थित मैदान में इस कार्यक्रम के दौरान डीआईजी विवेकानंद, वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के अलावा सभी पदाधिकारी एवं सैकड़ों जवानों ने शहीद हुए जवानों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस पुलिस स्मृति दिवस पर पिछले वर्ष वीर गति को प्राप्त हुए पुलिस के 8 जवानों को भी याद किया गया। इसमें मोहम्मद अब्बास, नंद किशोर यादव, सतीश कुमार, उमेश्वर सिंह, राजेश कुमार, विक्रांत भारती, वाल्मीकि कुमार और रविश भारती हैं। इन सबों ने कर्तव्य के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। शहीद हुए इन 8 जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके शौर्य और सेवा भाव को लेकर उनके परिवार वालों को सम्मानित भी किया गया और वीर शहीद जवान की याद में उन्हें उनके कार्यों की मिसाल भी दी गई। वहीं डीआईजी विवेकानंद ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि आज के दिन हम अपने उन सहकर्मी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने अपने देश में अमन चैन बनाए रखने के लिए अपनी जान की आहुति दे दी। हमें उनसे शौर्य और सुरक्षा और देश पर मर मिटने की जुनून को देखकर उनसे कुछ सीखना चाहिए। सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि इस दिन को पुलिस संस्मरण दिवस के रूप में मनाया जाए और तब से यह गौरवपूर्ण परंपरा नियमित रूप से निभाई जा रही है। पिछले वर्ष हमारे राज्य बिहार में 8 साथी भी वीर गति को प्राप्त हुए जिनमें से मोहम्मद अब्बास, पुलिस निरीक्षक नंद किशोर यादव, सैनी सतीश कुमार, सैनी भुवनेश्वर सिंह, सिपाही राजेश कुमार, सिपाही विक्रांत भारती, सिपाही वाल्मीकि कुमार, सिपाही रवीश भारती, इन सबों ने कर्तव्य की बलिदानी पर अपने आप को कुर्बान कर दिया। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। नवरात्रि के अवसर पर भागलपुर के कई जगहों पर डांडिया नाइट का आयोजन किया गया। इसी बाबत बी गार्डन एवं जंगली जंक्शन रेस्टोरेंट के द्वारा भी डांडिया नाइट का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें पहले मां की आरती हुई, उसके बाद डांडिया का उद्घाटन बी गार्डन के प्रोप्राइटर बबली किशोर, राकेश किशोर के साथ भाजपा के जिलाध्यक्ष संतोष कुमार, उपाध्यक्ष राजकिशोर गुप्ता एवं अर्जुन वर्मा ने सम्मिलित रूप से किया। वहीं राकेश किशोर ने बताया कि यह पहला आयोजन है जो भागलपुर के दक्षिणी क्षेत्र में हो रहा है। वी गार्डन हर त्योहार एवं नए साल का आयोजन हमेशा से करती आ रही है। इस डांडिया नाइट में सैकड़ों महिला, पुरुष, बच्चे ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में आई महिलाओं ने बताया कि ऐसे आयोजन से सांस्कृतिक एवं धार्मिक संस्कृति संरक्षित रहती है। सबों ने ऐसे आयोजन पर हर वर्ष होते रहने की बात कही। सभी को मेरा नमस्ते। आज हमारे वी गार्डन जंगली जंक्शन में डांडिया नाइट का आयोजन हुआ है। सभी महिलाएं बहुत ही उत्सुक हैं और इस कार्यक्रम में खूब मस्ती कर रही है। इसी बहाने सभी महिलाएं घर से निकलकर हमारे प्रांगण में मैया का आह्वान कर अपनी दुखी हुई है। इसलिए हम लोग आप लोग से अनुरोध करते हैं कि जब भी ऐसा कार्यक्रम हो आप आकर अपना हमें भाग्य अपना सेवा का भाग्य हो। जंगली जंक्शन में यहाँ पे इस तरह का व्यवस्था पहली बार हुआ है एंड इट्स रियली रियली रॉकिंग। दिस इज द फैंटास्टिक बिकॉज आपने ब्रिज के इस तरफ हमारे लिए इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन रियली बबली को है ना, हैट्स ऑफ है एंड वी आर रियली एंजॉयिंग। इट्स ऑलमोस्ट 9:10 होने वाला है एंड एवरीबडी इज इन फुल एंथुजियाज एंड एनर्जी एंड द डांडिया इज फुल्ली सक्सेसफुल। बहुत अच्छा व्यवस्था, बहुत अच्छी है। माता रानी की कृपा से हम लोग बार बार यहाँ पे डांडिया।
श्री श्री 108 बड़ी दुर्गा पूजा समिति पर्वती समाज द्वारा भक्ति जागरण का आयोजन किया गया। इस भजन जागरण में गायिका स्वीटी प्रिया ने अपने सुरों को जादू से समा बांधते हुए भक्ति भजन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में मौजूद श्रोतागण भक्ति भाव में डूबते हुए जागरण का लुप्त उठाया। वहीं इस जागरण में कोषाध्यक्ष अमित पासवान, अध्यक्ष राजेश कुमार, पंकज कुमार, अमित मंडल, राजा मंडल, धर्मेंद्र मंडल एवं सैकड़ों समाजवासी। दुर्गा पूजा शांति पूर्वक संपन्न कराने को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च नगवच्छा थाना से निकालकर गोशाला रोड, नगर परिषद कार्यालय रोड, नवादा होते हुए फ्लैग मार्च नगरा पहुंचा। वहां से धोलबज्जा चौक, वैशाली चौक, स्टेशन रोड, नगवच्छा बस स्टैंड होते हुए अनुमंडल कार्यालय पहुंचा। फ्लैग मार्च का नेतृत्व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ओम प्रकाश अरुण कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा में असामाजिक तत्वों के द्वारा गलत कार्य करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शांति व श्रद्धा के इस पर्व को सभी लोग मिलकर हर्षोल्लास से मनाए। इंस्पेक्टर अमर विश्वास, नवगछिया थाना अध्यक्ष भारत भूषण, परवत्ता थाना अध्यक्ष योगेश कुमार, ढोलबज्जा थाना अध्यक्ष प्रभात कुमार, रंगरा ओपी प्रभारी बिट्टू कुमार व अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। दुर्गा पूजा के संवेदनशीलता को देखते हुए नवगछिया थाना परिसर से हम लोग फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं पूरा अनुमंडल शहरी क्षेत्र में, और जो भी स्थानीय हमारा थाना है उस सबके थाना अध्यक्ष, फोर्स और संबंधित फोर्स गाड़ियां, हम लोग काफिले के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और जो भी असामाजिक तत्व के लोग हैं वैसे पर निगरानी रखना है और उनके हम अलर्ट करेंगे कि जो भी दुर्गा पूजा में इधर उधर करेंगे या किसी तरह का अपना पंख फैलाएंगे, बदमाशी करेंगे, उदंडता करेंगे, तो ऐसे लोगों को हम सलाखों के अंदर करेंगे और चारों तरफ मेरा फोर्स लगा हुआ रहेगा।